हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी से बात करने वाला हूं वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को लेकर के। जी हां दोस्तों, टाइटल एंड थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस मुद्दे के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों कैटल रन ओवर की वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। एंड आप में से भी ज़्यादातर लोग मुझे पता है कि जानते हैं इस इंसिडेंट के बारे में, वही वंदे भारत एक्सप्रेस के फ्रंट के नोब्स का टूटना। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम अब धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा सीवियर होती जा रही है इंडियन रेलवेज के अंदर, जिसके ऊपर अभी ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर ध्यान देना दोस्तों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी रूप ले सकती है किसी भी दिन, और इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मैं रिसेंटली ट्रैवल कर रहा था हजरत निजामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस में, एंड उसी का ये पूरा इंसिडेंट है। तो बेसिकली दोस्तों हमारी ये जो खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये 8 रेक्स की एक सैफ्रॉन वंदे भारत है। एंड मज़े की बात तो ये होती है कि मेरा जो कोच रहता है इसमें, वो रहता है C1, ड्राइवर केबिन से बिल्कुल सटा हुआ। तो हमारी जो जर्नी होती है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी चलती हुई आ रही होती है। ट्रेन जो है 160 मेंटेन्ड रहती है निज़ामुद्दीन से आगरा कैंट के बीच में। वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है लगभग 10:30 के करीब। एंड मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने वहाँ पे कुछ B-रोल क्लिप्स रिकॉर्ड करे थे, जिसके बाद हमारी ट्रेन अगेन वीरांगना लक्ष्मी बाई से निकलती है और 130 के MPH के ऊपर मेंटेन हो जाती है। अब पूरा मैटर दोस्तों यहीं पे होता है। ट्रेन का अगला स्टॉप रहता है ललितपुर रेलवे स्टेशन, जहाँ पे ट्रेन का जो है लोको रिवर्सल होता है। आम भाषा में कहे तो ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन से चलना शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे लोकोमोटिव वाला सीन तो है नहीं। तो ललितपुर पहुँचने से पहले दोस्तों हमारी ट्रेन जो है 130 के MPH के ऊपर रहती है, बहुत ही अच्छे नज़ारे होते हैं, और इसी दौरान हो जाता है कैटल रन ओवर। और दोस्तों लिटरली जो शौक था वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊपर कैटल रन ओवर का, वो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाला लगा, क्योंकि कैटल रन ओवर ये जो हुआ था हमारी वंदे भारत के साथ, इस कैटल रन ओवर में ट्रेन जो है स्किट कर रही थी कैटल के बॉडी पार्ट्स के ऊपर। ट्रेन जो है हिलने डुलने लग गई थी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से, और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि ट्रेन जो है बैलास्ट के ऊपर चली जा चुकी है और डिरेल हो चुकी है। लेकिन ऐसा दरअसल हुआ नहीं। लेकिन शॉक जो था दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तेज़ लगा कैटल रन ओवर की वजह से ट्रेन के ऊपर। सभी पैसेंजर्स बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से डर गए। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों को ये बातें नहीं देखने को मिली होंगी, क्योंकि कैटल रन ओवर जो है दोस्तों रेगुलर बेसिस पर होने लग गया है हर एक रूट के ऊपर, तो यहाँ पर ज़्यादा बातचीत जो है निकल करके सामने नहीं आती है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आता है कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। तो हमारे रेलवे नेटवर्क के अंदर दोस्तों दिन ब दिन लगातार ही वंदे भारत ट्रेनें आती जा रही हैं, लेकिन अगर हम लोग अपने अंग्रेज़ों के ज़माने के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो अभी भी लिटरली वैसा ही है जैसा पहले था। और करेंटली मिशन रफ्तार के ऊपर, इस रूट के ऊपर काम चल रहा है। ये जो दिल्ली मुंबई रूट है दोस्तों, इसके ऊपर करेंटली काम चल रहा है मिशन रफ्तार के ऊपर। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग, वो ये है कि मिशन रफ्तार पूरी तरीके से कंप्लीट हो भी जाता है तब भी कैटल रन ओवर्स की जो प्रॉब्लम है सॉल्व होते हुए हमें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इस रूट के ऊपर दोस्तों फैंसिंग को लेकर के स्पेशली सबसे बड़ी दिक्कत है। फैंसिंग जो है जगह जगह से तोड़ दी गई है, नई फैंसिंग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि इंडियन रेलवेज़ को मिशन रफ्तार इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ उन कैटल ओनर्स के खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन अब लेने पड़ेंगे, जो कि अपने कैटल को चराने के लिए ट्रैक्स की फैंसिंग को तोड़ दिया करते हैं या फिर ट्रैक्स की फैंसिंग को नुकसान पहुँचाते हैं। क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस के फेयर दोस्तों कई सारे रूट्स के ऊपर फ़्लाइट्स के बराबर है, और कोई भी पैसेंजर ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो या फिर ट्रेन का कोई डिरेलमेंट हो, कोई छोटा मोटा भी हादसा हो, या फिर ट्रेन के वजह से उसके समय की बर्बादी हो। कोई भी पैसेंजर ऐसा नहीं चाहेगा, और आने वाले समय के अंदर स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी भी मॉडर्न ट्रेनें चलेंगी, जिनके टिकट के प्राइस भी बिल्कुल फ़्लाइट्स के इक्वल ही रहेंगे। तो ऐसे में पैसेंजर नहीं चाहेगा कि उसके जान के ऊपर किसी भी तरीके का सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क रहे। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रैक्स के ऊपर भी रेलवेज़ को अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है दिल्ली से आगरा के बीच में भी, दिल्ली से झांसी के बीच में भी, और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है उसके बेसिस पे ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो रेलवेज़ अपने मिशन रफ्तार के ऊपर काम करे, अपने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के ऊपर काम करे, लेकिन कैटल रन ओवर की इस मेजर प्रॉब्लम से निपटने के लिए कैटल ओनर्स के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन भी ज़रूर ले, जिससे कि हमारी इंडियन रेलवेज़ बिल्कुल सुरक्षित चल सके। बाकी इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में।